क्वेश्चन नंबर है आपके 27। इसने कहा है कि आपके सिद्ध कीजिए, हमें करना है प्रूव किसी समकोण त्रिभुज के। पहले तो आप सब अलग लगाता था, टेंथ का एग्जाम का बोर्ड का ये हाफ पेज के ऊपर बनाते खुद ही। अब आपके क्या है कि 2013 से वो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही कर लिए, इसीलिए पूरा पूरा हिंदी में लिखा हुआ है। सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण को, समकोण त्रिभुज है मतलब कौन त्रिभुज है आपके राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया है आपके राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो गया है ए बी और ये हो गया है सी और ये है आपके राइट एंगल ट्राइंगल। इसने कहा है कि इसके कर्ण का वर्ग, ये है आपके कर्ण, इस कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये कहना है हमें सिद्ध। पहले तो क्वेश्चन में गिवन, क्या गिवन दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये दे रखा राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अंदर आपको करना है प्रूफ, अब क्या प्रूफ करना है, सबसे बड़े भुजा कर्ण का स्क्वायर इसके बराबर होता है आपके अन्य दो भुजाएं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये ऐसे लाइन बनाएंगे जो यहां पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये डी बन गया। अब नाउ दो ट्राइंगल लेंगे, पहला ये छोटा वाला फिर ये पूरा बड़ा वाला, एक तो लेंगे पूरा बड़ा या बड़ा हमें आगे आएगा ए बी और सी, इसके अंदर आपके ए कोण कितना है राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये वाला इसका नाम थोड़ा ध्यान से लिखना है क्योंकि तो नाम भी सब कुछ है, मतलब सबसे पहले इसमें 90 डिग्री बी है और इसमें 90 डिग्री कौन सा है डी 90, तो बी यहां कोने में 90 है तो डी भी यहां पर कोने में होना चाहिए 90। फिर ऐसा कौन है ये ए जो इसमें भी आ रहा और पूरे में भी आ रहा है, इसमें ए ऊपर आ रहा है इसमें भी ए का आना चाहिए आपके ऊपर आना चाहिए, इसमें तीन नाम थे ए और डी तो आ गया, अब क्या बच गया आपके बी, यस हो गया। हमें इन दोनों क्या करना है सिमिलर करना है, कौन सा ट्राइंगल है हमें लिखेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल कौन सा हो गया है आपके ए डी बी, इन दोनों से हमें कितनी चीजें बना दो करनी है, दो चीजें बना दो कर लो, पहला ये कोण और ये कोण, कोण बी इक्वल है कोण डी के कारण है आपके 90 डिग्री, दूसरा ये वाला कोण ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, ये कोण ऐसा है जो इस छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये हो गया है आपके कारण हो जाएगा कॉमन। ए नियम द्वारा हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी के, अगर सिमिलर है साइड क्या होगी परपोस्टल, ऐसे कौन से नाम है जो दोनों में आ रहे, मतलब ऐसा कौन सा नाम है जो दोनों में आ गया ए बी नाम, अब ए बी कहां आया हुआ है, पहले ए बी इसमें लेंगे मतलब ए बी इसमें कहां पर है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में क्या आएगा परपेंडिकुलर हम लिखेंगे ए बी अपॉन क्या दे रखा है आपके ए डी, नाम पहले इसका लिखना है इक्वल है, अब ए बी का आया हुआ है इसमें आया हाइपोटेन्यूस में आया हुआ है, लेकिन पहले नाम इसका लिखेंगे ए सी और क्या हो गया ए बी, हम लिखेंगे ए सी अपॉन ए बी, इसका हाइपोटेन्यूस और इसका हाइपोटेन्यूस, लेकिन नाम पहले इसका आना चाहिए बाद में इसका आना चाहिए। अब नियम कौन सा लगा कारण बताओ क्यों हुआ ऐसा ही, बाई सी पी एस टी, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो दोनों साइडें क्या होंगी आपके प्रोपोर्शनल, अब क्या करेंगे तिरछा गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी इंटू ए डी, ये हो गई आपके इक्वेशन फर्स्ट जो आपके बाद में काम आएगी। अब ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, पहले बड़ा वाला ट्राइंगल जिसका नाम क्या है आपके ए बी और ये हो गया सी, फिर लेंगे छोटा वाला ट्राइंगल इसका नाम क्या है आपके बी डी सी, तो ये हो जाए तो अब नया 90 डिग्री है तो यहां भी क्या आना चाहिए आपके 90 डिग्री, 90 डिग्री
यहाँ कोने में इधर भी नंबर डी कोने में होने चाहिए जिसका नाम है डी। फिर ये कोण ऐसा है जो आपके छोटे वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है, बड़े वाले में भी आ रहा है, कौन हो गया? तो इसमें सी नाम हमने यहां लिखा, जिसके नाम यहां लिखो। अब तीसरा नाम क्या बचा इसमें? इस ट्राइंगल का नाम है सी डी और एक बी नाम है, तो डी सी तो आ गया, पीछे क्या बचा आपके? बी बचा। अब हम लेंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल हो गया है बी डी सी, हमें कितनी चीजें बराबर करनी है? दो चीजें बराबर कर लो। पहला 90 डिग्री का कोण, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, ये है आपके राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरा एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये आ गया है आपके कॉमन। ये ऐसा एंगल है जो इस छोटे, ये वाला एंगल ऐसा है छोटे ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़े ट्राइंगल में भी आ रहा है। वो तो नियम कौन सा लगा? ए नियम द्वारा कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल बी डी सी के। अगर सिमिलर है, सिमिलर है तो क्या हुआ, भुजाएं क्या होंगी आपके? प्रोपोर्शनल। अब कौन कौन सी, मतलब ऐसा कौन सा नाम इसमें भी है, इसमें भी है? बी सी नाम, बी सी इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखो बी सी कहाँ आ रहा है, एक तो आ रहा है बेस में और एक आ रहा है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में आ रहा है, एक आ रहा है बेस में एक आ रहा है हाइपोटेन्यूज में। हम क्या करेंगे, पहले लेंगे बेस को, इसमें बेस और इसका बेस, पहले इसका नाम फिर उसका नाम, बी सी अपॉन डी सी। तो ये लेंगे बी सी अपॉन डी सी, यहां भी देख सकते हो बी सी और डी सी दोनों लास्ट लास्ट फ्रंट हो जाए, इक्वल होगी किसके बराबर होगी आपके हाइपोटेन्यूज, ये वाला और ये वाली ए सी और बी सी। देखो इसका लास्ट और फर्स्ट नाम, इसका भी लास्ट और फर्स्ट नाम, ए सी अपॉन बी सी, क्यों हुआ? बाई सी पी एस पी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज के संगत भाग हमेशा क्या होते हैं आपके बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई। बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए सी इंटू डी सी, ये हो गई आपके इक्वेशन सेकेंड। यहाँ तो ए बी स्क्वायर का वैल्यू लिखा हुआ है या बी सी स्क्वायर वैल्यू लिखा हुआ है, लेकिन हमें ज्ञात करना है ए बी प्लस बी सी स्क्वायर दोनों का सम ज्ञात करना है, इसका और इसका दोनों ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो सम हो गया। तो क्या करेंगे हम, एडिंग, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये तो है ए बी स्क्वायर और यहाँ दे रखा है आपके बी सी स्क्वायर, इधर वालों को इधर जोड़ दिया, उधर वालों को इधर जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा इधर आपके, ये तो ये दे रखा है आपके ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। ए सी क्या आ रहा है आपके? कॉमन, तो ये आ गया आपके ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए डी इंटू डी सी। क्या कॉमन आ रहा है? ए सी कॉमन आ रहा है, ए सी आ गया कॉमन, एसी एसी कैंसिल, पीछे क्या बचा आपके? एडी। एसी एसी कैंसिल, पीछे क्या बचा आपके? डीसी। ये आ जाएगा आपके ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजिकल टू ए सी इंटू। अब एडी और डीसी, ये रही एडी भुजा और ये रही दूसरी भुजा, कौन सी? डीसी भुजा। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, जोड़ते क्या बन गई? पूरी आपके एसी भुजा बन गई। इसको और इसको जोड़ोगे तो एसी भुजा बनेगी। एसी इंटू एसी क्या होता है? एसी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर। देख सकते हो, इसकी सिद्धम थ्योरम नंबर 6.8।